ओम साई राम। श्री साई महिमा तथा दूसरे भजन जो आप इस कैसेट में सुनेंगे वो सब श्री भगवती साई संस्थान पनवेल महाराष्ट्र के श्री नारायण बाबा के मुखारविंद से निकले हैं, जिन्हें मैं साई भक्तों की श्रद्धा के लिए अर्पण कर रहा हूं। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। आदि आधार न पाकर नाथ के, आदिनाथ कहे पाताल। नाथ नाथ जग कहे, जगन्नाथ कहे भूलोक। अंत न तेरा जानिके, अनंत नाथ कहे स्वर्गलोक। ऐसी परम शक्ति को विनती करे ब्रह्मा विष्णु महेश। नाथ नाथों के एक नाथ है, ऐसो कह नवनाथ। ऐसे नाथ को जग कहे जय जय साई नाथ। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री साई बाबा, साई बाबा, तुम ही हो दाता एक विधाता। तुम ही थे ईसा ईसाइयों के, नाम पलट कर बन गए साई। हिंदुओं के तुम ही हो श्री राम, साई राम कह सभी पुकारे। मस्जिद में तुझको अल्लाह पुकारे, नानक गूंजे हर गुरुद्वारा। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। जाने तेरा बचपन, साल पूरे 16 तक, जग उद्धार के लिए प्रकट हो गए गांव शिरडी में। दत्ता जैसे किए गुरु अनेक, कबीर गोपाल और जावर। लालन पालन किए थे गोपाल, सत्य की दीक्षा पूरी दी। दीक्षा शिक्षा पाकर पूरी, साई बाबा बन गए, साई श्री राम बन गए, साई ईसु बन गए, साई अल्लाह बन गए, साई नानक बन गए, साई जगत में छा गए। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। वृक्ष नीम था तेरा आश्रम,
डेंडी जंगल तेरा बबीचा पोशाक तेरी फटी कफनी सिर को साजे एक साफा करों में तेरे छड़ी व कमंडल चरणों में तेरे जीर्ण पादुका रूप तेरा है मनोहर वाणी जैसी मुरली मनोहर नयन है तेरे प्रेम से भरे हृदय है तेरा दया से भरा पत्थर है तेरा सिंहासन चिथड़ा गोनी तेरा आसन जीर्ण गोनी तेरा बिस्तर ईट ही तेरा सिरहाना ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने चांद भाई पाटिल आए बालक साई बाबा के पास होई घोड़ी देकर बाबा चिमटे से चीलम जला दिए मालसापति को ज्ञानी बनाकर नाना को दिया गीतोपदेश बाए जा बाई ने उद्धृत कर ली देकर खाना तुझको निरंतर दासों के दास है दास गणू बन गए तेरे कीर्तनकार अब्दुल्ला ने की बड़ी सेवा तन मन तुझको देकर अपना ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने कड़वे नीम को मीठा करके सिद्धि पहली कायम की तेल न पाकर पानी ही से ज्योति उत्तम जलाई नीम की पत्ती धुनी से उदी सबको हर दम देते थे शक्ति इनमें ऐसी होती दुख सारा हर लेती थी शाला कर पांच घरों से उसे सबको देते थे ऐसे उसे देते रहते जो खत्म ना होती थी तेरे साथी दीन दुखी जन अंधे लंगड़े शूद्र व रोगी तुम ही थे उनके सच्चे साथी मात पिता व गुरु परमात्मा ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने शिंदे आए साईश्वर के पास जीवन भर निज सेवा में रख कर उनके रोग को हरण दिया अम्ल पित रोग वह जा से बड़े ही पीड़ित थे बूटी धुनी से उदी देव
कर बाबा उनको रोग से मुक्त किया। अतिसार की बीमारी थी काका महाजनी को, स्वस्थ किए उनको बाबा मूंगफली खिलाकर। बड़े ही पीड़ित थे श्यामा बवासीर रोग से, दया के सागर साईं ने हरण लिया बवासीर को। 14 वर्षों से उदर रोग से थे बड़े पीड़ित दत्तोपंत, हरदा के ऐसे दुखी को देख कर उनको रोग से मुक्त किया। भीमा जी पाटिल महानुभाव थे नारायण गांव के क्षय रोगी, ऐसे भयंकर रोग को दूर किया जग ईश्वर ने। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। अजानु बाहु बन कर आए विश्व को आशीष देने को, तीनों लोक ने आशीष पाई ऐसे अजानु बाहु से। पूरे विश्व की रक्षा करने रात दिन बाबा जागते थे, अपनी नींद सब कुछ त्याग कर बहुत ही सेवा करते थे। शिरडी क्षेत्र में रह कर बाबा विश्व की महान सेवा की, तुमसे बढ़कर महान त्यागी कोई न विश्व में जन्म लिया। द्वारका माई मस्जिद थी गुरुकुल जैसे ज्ञानाश्रम, ज्ञानियों का मेला था हरदम साईश्वर के पास। देश विदेश से आकर लोग ज्ञान व भक्ति पाते थे, पूर्ण ज्ञानी साईश्वर सबको सब कुछ देते थे। भगवत गीता को समझाया डिप्टी कलेक्टर नाना को, विष्णु सहस्त्र नाम को समझा काका साहेब दीक्षित ने। नाथ भागवत को पढ़ते थे साईश्वर से मड़पन, दीक्षित जोग व बीवी देव ने ज्ञानेश्वरी का ज्ञान दिया। गुरु चरित्र का पाठ कराया श्री साठे से साई ने, उपनिषदों का अर्थ बताया निज प्रेमियों को बाबा ने। कुरान शरीफ के तत्व को समझा अब्दुल्ला ने साई से, साई प्रेमी मौलवी फातिहा को पढ़ते थे। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। लक
का कर घंटी मस्जिद में मस्जिद मंदिर एक किए नमाज पूजा बन गए एक मुस्लिम हिंदू हो गए ये है अग्नि पारसी की ये है द्वार गुरुद्वारा ऐसे साईं बाबा कहकर विभिन्न जाति को एक किए ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने विश्व रूप का दर्शन दिया निज भक्तों को साई ने पूर्ण खंडो बाते साई मालसापति कहते थे रामदासियों ने देखा शिरडीश्वर में राम को पंढरीनाथ का दर्शन दिया दास गणु महाराज को सृष्टि पालक विष्णु को देखा न्यायाधीश रेगे ने कैलाशपति शिव को देखा साईश्वर में मेघा ने दशावतारों ने दर्शन दिए द्वारका माई मस्जिद में ऐसे दर्शन नाथ में पाकर नाथ को विश्व ने मान लिया ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने अल्प आयु ही में बाबा स्वेच्छा मरण पेश किए आदि शंकर जैसे बाबा देह अपना त्याग दिए धीरज विश्वास प्रेम से सबने उसकी रक्षा की एक तीसरे दिन के बाद जागृत हो गए साई नाथ जागृत होकर जागृत कर दी हर मानव को अपनी ओर ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने मालसापति तात्या पाटिल बड़े ही तेरे प्रेमी थे सोते जागते चलते फिरते साथ हर दम रहते थे लक्ष्मी बाई महालक्ष्मी नित्य सेवा करती थी देकर उनको रुपये नौ सारी भक्ति दे दिए विष से पीड़ित श्यामाए ऐसे साई बाबा के पास विष को तुरंत दूर किए भोले शंकर साई ने प्राण बचाई मेंढक ने अपने शत्रु के मुख से भाव हुक्म बाबा का टाल न कोई सकता था
ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। एच एस दीक्षित एम बी रेगे बड़े ही शिक्षित ज्ञानी थे, कुछ न पाकर देश विदेश में पास बाबा के आए। ऐसी हस्ती शक्ति देखी अर्पण अपने को कर दी, महारोगी बन कर आए काशीनाथ उपासनी। बाबा निरोग कर दिए उपासनी महाराज बन गए, प्रेमी भयभीत हो उठे जब ऐसा आया शिरडी में। दीन दयालु साई ने दूर किया उस हैजे को, ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। नागपुर के बड़े ही धनी गोपाल राव बूटी थे, कृष्ण मुरलीधर के लिए बूटीवाड़ा बनाए। ये है स्थान सोने का मेरा, ऐसे बाबा कहते थे, जो भी कहते साई बाबा हर दम वो ही होता था। 1918 के दशहरा के दशमी में मंगलवार के दिन बाबा जब 82 साल के लगते थे, लगभग दोपहर 2:30 बजे शिरडी के मस्जिद में बाबा सचमुच सो गए, दुनिया के लिए सो गए, पर बाबा सर्वत्र छा गए हर दम के लिए छा गए। मस्जिद में वे छा गए, शिरडी में वे छा गए, बाबा सब में छा गए, सबके हृदय में छा गए। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। छाए हुए जागते साईं, अब भी बाबा जागते हैं, सभी देखे पूरे विश्व में अब भी बाबा जागते हैं। साईं बाबा है सत्य आत्मा, पूर्ण आत्मा परमात्मा, साईं बाबा कहते भी थे यही, मैं हूँ आत्मा परमात्मा।
ऐसे नाथ की देह को पाने में हो गए बड़े मतभेद। हिंदू कहे हिंदू थे बाबा, मुस्लिम कहे थे बड़े पीर। इसका निर्णय हो नहीं पाया, नाथ की देह को पा गए हिंदू। नाथ पर थे इस जाति भेद से, जैसे परे हैं परमात्मा, ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने अद्भुत समाधि बनाई। समाधि में भेद न कोई, जाति पाति व ऊंच नीच का। श्याम सुंदर तेरा घोड़ा, बड़ा ही तेरा प्रेमी था। श्रद्धा भक्ति प्रेम से तुझको प्रणाम करता था। शिरडी वासियों ने देखा, समाधि काल के बाद भी अश्रुधारा बहाकर समाधि को प्रणाम करता था। सत्य है नाथ का कथन, मैं हूँ जागृत समाधि पर। इसकी गवाह देते हैं साई अपनी विशाल मूर्ति से। ऐसी मूर्ति बनाई तालिम बंबई के मूर्तिकार, जिसकी स्थापना की थी 1954 में। अहमदाबाद के बड़े ही प्रेमी साई शरणानंद ने, बाबा है जागृत जड़ चेतन में, पाए तो उनको सफल है जीवन। नाथ को पाकर सब कुछ पाए, उनको न पाकर कुछ भी न पाए। साई सेवक गुरु नारायण कहे, अनंत महिमा की ये छोटी महिमा। जो भी पढ़े नित्य निरंतर, सब कुछ पावे साई कृपा से। साई कृपा से, साई कृपा से, सब कुछ पावे साई कृपा से। साई कृपा से, साई कृपा से, सब कुछ पावे साई कृपा से। साई कृपा से, 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 सब कुछ पावे साई कृपा से। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।